हेलो एवरीवन, कैसा का है? आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको टोटल 4 ट्रिक दूंगा जिससे आप मैंगनीज के ऑक्सो एनायन से आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे और बहुत फास्टली। तो सबसे पहले ऑक्सो एनायन का क्या मतलब है? मैंगनीज होगा, ऑक्सीजन होगा, तो वो मैंगनीज के ऑक्साइड हो जाएंगे, और अगर उस पर कुछ माइनस चार्ज आ जाएगा तो वो मैंगनीज के ऑक्सो एनायंस होंगे। तो अगर मैंगनीज अपने ऑक्सो एनायन में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, जो कि 3D सीरीज में मैंगनीज का ही सबसे ज़्यादा होता है, +7, राइट, तो फिर उसका नाम रखेंगे हम परमैंगनेट। और अगर हाईएस्ट से एक कम ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, डेट इज +6, तो उसका नाम होगा मैंगनेट। तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट कि चूंकि ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, डैट मीन्स एस से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और डी से भी 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अब इसके डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो D0 कॉन्फिग्रेशन है, इसलिए इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक होगा नेचर में। वहीं पे जो मैंगनेट है उससे 6 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो एस से 2 गया, डी से 4 गया, तो अभी भी डी में उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो पैरामैग्नेटिक होगा नेचर में। नाउ द पॉइंट इज MnO4- माइनस डेट इज पर मैंगनेट को अगर एसिडिक सॉल्यूशन में रखोगे आप, तो फिर वो स्टेबल है, फिर वो उसी फॉर्म में रहेगा। इसलिए ध्यान दें, यहाँ पे मैंने क्लियरली दिखाया MnO4 माइनस और एसिडिक सॉल्यूशन अपने बस क्रिएट किया, उसके अलावा और कुछ उसमें ऐड नहीं किया आपने, तो फिर वो उसी फॉर्म में रहेगा। वैसे ही MnO4 माइनस 2 जो है वो बेसिक मीडियम में स्टेबल है, डैट मीन्स MnO4 माइनस 2 रख दिया और बेस आपने ऐड कर दिया, सिर्फ डैट सीट, और कुछ ऐड नहीं किया, तो वो इसी फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर MnO4 माइनस जो परमैंगनेट है उसमें आपने बेस डाल दिया, तो क्या होगा? फिर वो MnO4 माइनस 2 में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि MnO4 माइनस 2 बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है। वैसे ही MnO4 माइनस 2 में अगर आपने एसिड ऐड कर दिया, तो वो MnO4 माइनस में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस स्टेबल है एंड बेसिक मीडियम में MnO4 माइनस 2 स्टेबल है। दोनों का कलर भी हमें याद रखना है। MnO4 माइनस पर मैंगनेट का कलर पर्पल होता है, पी से पर मैंगनेट, पी से पर्पल, और बेस ऐड करेंगे इस पर्पल वाले कलर में, अगर बेसिक सॉल्यूशन ऐड करोगे तो वो किस में चला जाएगा? ग्रीन में। डैट मीन्स MnO4 माइनस 2 का कलर कैसा है? ग्रीन। याद कैसे रखेंगे? सिंपल ट्रिक, पबजी। पबजी का क्या मतलब है यहाँ पे? पीयू से पर्पल कलर बेसिक मीडियम में ग्रीन हो जाएगा, तो याद हो गया। एंड वाइस वर्सा, अगर ग्रीन कलर है, एसिडिक मीडियम आपने ऐड किया, तो वो किस में चला जाएगा? पर्पल कलर में। तो ये राइमिंग वर्ड्स आप याद रख सकते हो। दूसरा एक यहाँ पे ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ एक माइनस है, एक और माइनस ऐड किया तो -2 हो गया, जस्ट कनेक्शन है और कुछ नहीं, बस। वैसे ही -2 था, एक प्लस ऐड किया तो -1 बचेगा। तो इस तरीके से भी आप रिलेट कर सकते हो कि MnO4 माइनस में OH- बेसिक मीडियम ऐड करोगे तो MnO4 माइनस 2 में चला जाएगा। नाउ यहाँ पे डी में एक इलेक्ट्रॉन है, ये कलरफुल है, ये बातें सबको क्लियर होती है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कलर शो करेंगे, बट यहाँ पे डी में 0 होने के बाद ये कलर शो कर रहा है, उसके पीछे रीजन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो लिगेंड का काम करता है और वो मेटल डैट इज मैग्नीज को चार्ज ट्रांसफर करता है, तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होने की वजह से MnO4 माइनस कलर शो करता है। बाय द वे इसको कलर शो नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। नाउ इसका स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है, तो MnO4 माइनस हो या MnO4 माइनस 2 हो, दोनों का ही स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होंगे। रेजोनेंस होने की वजह से सारे मैग्नीज ऑक्सीजन बॉन्ड इक्वल होंगे, राइट, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना, और स्ट्रक्चर को हमने यहाँ ड्रॉ करके भी दिखाया है। तो आई होप ये ट्रिक नंबर 1 आपको क्लियर होगा। इससे बाहर कुछ नहीं बेटा, इतने पॉइंट को आपको ध्यान में रखना और इजी वे में समझाया, ट्रिक दिया कैसे याद रखना है। पॉइंट नंबर 2 कि सर जो आपने इतना पढ़ाया तो इसको बनाएंगे कैसे? तो वेरी सिंपल है, आप मैंगनीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड ले लो, डैट इज पायरोल्यूसाइट, इसका कॉमन नेम है पायरोल्यूसाइट, डैट इज मैंगनीज डाइऑक्साइड ले लो आप, और उसकी रिएक्शन बेसिक मीडियम में, ध्यान दो, बेसिक मीडियम क्रिएट करना है, जरूरी नहीं है कि सर ने यहाँ पे KOH लिखा है तो KOH ही आएगा, आप कोई भी बेसिक मीडियम क्रिएट कर दो, Na2CO3, K2CO3, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन आप क्रिएट करो
और ऑक्सीजन दो या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, जैसे नाइट्रोजन यहाँ पे प्लस फाइव में। तो फंडा समझ गए, पाइरोलुसाइट ओर को बेसिक मीडियम में किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या एयर भी ऑक्सीजन पास करोगे तो आपको पहले क्या मिलेगा, K2MnO4। क्यों मिला सर? क्योंकि आपने बेसिक मीडियम क्रिएट किया, अभी बताया बेस में कौन स्टेबल है, MnO4-2, तो इसलिए K2 आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसको ब्रेक करोगे तो ये MnO4-2 मिलेगा। तो बेसिक सोल्यूशन इसलिए ये पहले मिलेंगे। सर अभी हमको तो चाहिए था MnO4-, तो अब क्या करें? तो अब आपके पास दो रास्ते हैं। आप क्या करो, इस MnO4-2 जिसमें ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके MnO4- में आ जाएगा, तो इलेक्ट्रोलिसिस से बना सकते हो। या फिर इसमें अभी आपको बताया एसिड ऐड कर दो, H+, एसिडिक मीडियम क्रिएट कर दो, या न्यूट्रल मीडियम भी क्रिएट करोगे तो क्या होगा, ये +6 वाले +7 में आ जाएंगे, राइट, और +4 वाले फिर से बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही मैंगनीज ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि MnO4-2 को अगर एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में आप छोड़ दोगे तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन शो करेगा, और उस केस में ये अपने हाइएस्ट +7 में चला जाएगा और उसके बाद एक +4 में, जहाँ से इसको क्रिएट किए थे। तो ये पॉइंट है। सर इतना क्यों झंझट पालना, कोई डायरेक्ट मेथड बताओ, तो डायरेक्ट मेथड भी है बेटा। अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, Mn+2 वाला कोई भी कंपाउंड उठाना पड़ेगा जिसमें मैग्नीज +2 में हो, जैसे MnCl2 एटसेट्रा, राइट, और आपको पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड जिसमें पर ऑक्सी लिंकेज हो, डैट मीन्स अगेन वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो वो लेना पड़ेगा आपको, और एसिडिक मीडियम आपको क्रिएट कर देना है। क्यों? क्योंकि पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, तो क्या मिलेगा, मैंगनीज यहाँ +2 से डायरेक्ट आपका +7 में चला जाएगा, आपको मिल जाएगा MnO4- पर मैगनेट, और ये सल्फेट एज इट इज रहेंगे, और ये एसिडिक मीडियम क्रिएट किया हुआ इसलिए H+ आएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। सर चेंज किस में हुआ है, ऑक्सीजन जो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन -1 पर ऑक्सी लिंकेज था, वो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ जो यहाँ पे -2 में आ गया है। तो इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखना है, डायरेक्ट बनाना हो तो हम ऐसे बना सकते हैं, इनडायरेक्ट वे में हम ऐसे बना सकते हैं। तो ये हो गए मेरे 2 ट्रिक, इससे बाहर कुछ नहीं है, 2 और ट्रिक बता रहा हूँ, और उसके बाद आपको ऑक्सो एनहांस से कोई भी प्रॉब्लम हो आप वेरी क्विकली एंड वेरी इजिली कर लोगे। पॉइंट नंबर 3 कि KMnO4 को अगर आप हीट करोगे 513 केल्विन, डैट मीन्स 500 से ज़्यादा टेम्परेचर अगर रखा केल्विन में, तो आपको K2MnO4 डैट मीन्स +6 वाला मिल जाएगा, MnO2 डैट मीन्स +4 वाले मिल जाएंगे, और ऑक्सीजन मिलेगा। वैसे भी ऑक्सीजन मिलेगा ही, क्यों? क्योंकि यहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसी वजह से बोलते हैं। अगर मैग्नीज अपने हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करेगा, राइट, क्यों? क्योंकि उसके आगे जा नहीं सकता तो उसको पीछे आना पड़ेगा। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि KMnO4 को जब भी हीट करेंगे तो +6 वाला कंपाउंड मिलेगा, +4 वाला और ऑक्सीजन आपको मिलेंगे, राइट। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिस पे बेस क्वेश्चन आते हैं, पॉइंट नंबर 4, MnO4- पर मैग्नेट आयन एक ऐसा आयन है जो तीनों ही मीडियम में वर्क करता है, एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी, और न्यूट्रल मीडियम में भी। तो एसिडिक मीडियम में इसका कैसा वर्किंग होगा, न्यूट्रल या फेंटली एल्कलाइन मीडियम में इसका कैसा होगा, और स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में इसका कैसा होगा वर्किंग, उसको मैंने क्लियरली लिस्ट आउट किया है और सिंपल ट्रिक से कनेक्ट किया। आपको क्या ध्यान देना है, अगर एसिडिक मीडियम में MnO4- को आपने यूज़ किया तो वो खुद कहाँ चला जाएगा, +2 में, वो खुद कहाँ चला जाएगा, +2 में, डैट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे चेंज हो चुका है। और दूसरे को क्या करेगा, तो चूंकि ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका ही काम कर सकता है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे। तो ऑक्सीडेशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि दूसरे का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 यूनिट से इंक्रीज करा देना है। अगर जहाँ पे +2 की पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर उसको उसके हाईएस्ट में लेके जाना है, या फिर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन का आपको चेंज कराना है एसिडिक मीडियम में। ये 3 पॉइंट्स आप कर लोगे। फॉर एग्जांपल कहीं पे हेलाइड आयन है X- तो ये -1 में, तो ये -1 से 0 में चला जाएगा।
तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज तो वन का हुआ, लेकिन बैलेंस करोगे तो दो हेलोजन है तो दो इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। तो आप देख सकते हो ये पॉइंट हमारा लग गया, या तो दो इलेक्ट्रॉन का चेंज कराना है, या ऑक्सीडेशन स्टेट को दो से बढ़ाना है, या फिर जहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है तो हाइएस्ट तक ले जाना है। जैसे दूसरा C2O4-2 ऑक्सीलेट, यहाँ पे कार्बन प्लस 3 में, और विनो कार्बन का मैक्सिमम 4 हो सकता है, इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है तो हाईएस्ट तक ले जाना है, तो कार्बन प्लस 4 में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, MnO4- एसिडिक मीडियम में Mn+2 में चला गया, C2O4- CO2 में, तो प्रोडक्ट क्या होगा वो पूछा जा सकता है, बैलेंस रिएक्शन एटसेट्रा आपसे पूछा जा सकता है। और ये पर्पल कलर आपका क्या हो गया, एक तरह से कलरलेस, क्योंकि इसका कोई कलर नहीं है, तो ये हो गया कलरलेस आपका, तो इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि डीकलराइज हो गया। नेक्स्ट S-2, आप ध्यान से देखो, सल्फर -2 में +2 से ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कराना है, तो -2 से +2 कितना हो जाएगा, 0 में आ जाएगा, तो आपको सल्फर मिल जाएगा। H2O2 में ऑक्सीजन खुद -1 में है, और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जा सकता है, ये 0 में, राइट। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का आपका चेंज हुआ है, ये वाला पॉइंट लग गया। आयरन +2 में, आयरन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो सकती है, इसलिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट लग जाएगा कि नॉट पॉसिबल, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाना है। NO2-, यहाँ पे नाइट्राइट आयन +3 में, जिसको नाइट्रेट +5 में ले जाएंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से बढ़ गया 3 से 5 में। SO3-, सल्फर यहाँ पे आपका +4 में, तो सल्फेट +6 में आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से बढ़ा दिया। तो इतने ही आयंस का भी ध्यान रखना है, ज़्यादा भागना नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और एक पॉइंट और ध्यान देना कि अगर मैं MnO4- में सपोज करो इधर वाला कुछ भी ऐड करता, सल्फेट, नाइट्रेट या Fe+3, तो इन सबको कुछ नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, राइट। तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग है, ये भी हाईएस्ट है, तो रिएक्शन ही नहीं होगी। कहने का क्या मतलब है कि MnO4- की रिएक्शन अगर आपने NO3- से कराया तो नो रिएक्शन, क्यों, क्योंकि आप ही बताओ, ये भी हाईएस्ट +7 में और ये भी हाईएस्ट +5 में, तो कोई एक ऑक्सीडाइज होगा तब ना दूसरा रिड्यूस होगा, कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए, तो यहाँ पे तो दोनों ही अपने हाईएस्ट में, राइट, दोनों ही बैक आना है, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला कोई है ही नहीं, तो ऐसी रिएक्शन नहीं होगी। तो इसको कैसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा, विच कैन नॉट रिएक्ट विथ MnO4-, तो वो सारे कंपाउंड रिएक्ट नहीं होंगे जो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, ध्यान दे, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली न्यूट्रल या फेंटली एल्क्लाइन वर्ड कहीं पे भी लिखा हो तो वहाँ पे आपका MnO4- +7 से +4 में आ जाएगा, डैट मीन्स यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, डैट इज एन फैक्टर एक्चुअली। और यहाँ पे जो चेंजेज है वो ध्यान देना, बाकी सारी चीज़ सेम रहेंगे, यहाँ पे चेंजेज है X- में, X- XO3- में चला गया, डैट मीन्स कहने क्या मतलब है, पहले X- जो आपका वो X2 में कन्वर्ट हुआ होगा, और आपको पी ब्लॉक में ट्रिक दे रखा हूँ कि हेलोजन बेसिक मीडियम में डिसप्रोपोर्शनेशन शो करते हैं, तो वो -1 और +5 में चला जाता है, और ये -1 वाला फिर से X2 में कन्वर्ट होगा, और इस तरीके से होते होते सिर्फ आपको क्या मिलेगा, XO3-, डैट मीन्स हेलोजन +5 में चले जाएंगे। तो इस पॉइंट को ध्यान देना है कि अगर Cl- Br- I- को न्यूट्रल या फेंट्री एल्कलाइन मीडियम में MnO4- से रिएक्ट कराओगे तो आपको ClO3- मिलेगा, डैट मीन्स क्लोरीन +5 में चला जाएगा, या ब्रोमीन +5 में, या आयोडीन +5 में। रीजन कि पहले तो X2 ही मिलता है, क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन ही बनेगा, लेकिन बेसिक मीडियम होने की वजह से डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, और जिसकी वजह से वो +5 में चला जाता है, और फिर ये X- फिर से X2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान देना है, H2O3-2- थायोसल्फेट हो गया, तो यहाँ पे सल्फेट SO4-2 में, वही सेम पॉइंट, H2O2 में -1 से 0 में सेम पॉइंट है, तो बाकी सारा सेम पॉइंट है, ओनली यहाँ पे चेंजेज है, ये ध्यान देना है। नाउ इसको हम कैसे याद रखेंगे कि किस मीडियम में ये कहाँ जाएगा, तो उसको वेरी सिंपल ट्रिक से मैंने कनेक्ट किया, MnO4- खुद +7 में, पहले आपको pH स्केल पे एसिडिक मिलेगा, फिर न्यूट्रल, फिर बेसिक, तो एसिडिक में ये +2 में चले जाएंगे, ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ध्यान देना, +7 से +2 में चले जाएंगे, ये न्यूट्रल या फेंट्री एल्कलाइन में +4 में, और स्ट्रांगली बेसिक, ध्यान दें, जब तक क्वेश्चन में स्ट्रांगली बेसिक नहीं लिखे आपको न्यूट्रल या फेंट्री एल्कलाइन लेकर के चलना है, स्ट्रांगली बेसिक में ये +6 में चला जाएगा। और कनेक्शन कैसे देखो, 2 का टेबल है, 2, 4, 6,
तो ये इजीली याद हो जाएगा 2, 4, 6, राइट, 2 का टेबल हो गया। ये भी इजीली याद हो जाएगा, पीएच स्केल में पहले एसिडिक, लो पीएच, फिर न्यूट्रल, उससे ज़्यादा पीएच, फिर बेसिक, उससे ज़्यादा पीएच, तो ये भी याद हो जाएंगे। और ये तो +7 में है, तो यहाँ से तुम्हें एन फैक्टर भी याद हो गया। अगर ये 7 से 2 में गया है तो एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 5। अगर न्यूट्रल या फेंटिल एल्काइन में बात करें तो 7 से 4 में गया है तो एन फैक्टर 3, 3 का चेंज हो गया। और स्ट्रांगली बेसिक में 7 से 6 में गया तो चेंज कितने का हुआ, 1 का, दोनों का डिफरेंस ले लो तो ये हो जाएगा आपका 1। तो एन फैक्टर भी पूछा जा सकता है, ये भी पॉइंट ध्यान देना। रेडॉक्स से या इक्विवेलेंट कंसेप्ट वाले प्रॉब्लम इससे पूछे जा सकते हैं। अगेन इसको भी कैसे याद रखेंगे, तो आप इस सिंपल ट्रिक से याद रख सकते हो, बैन 153, डेट मीन्स 153 को बैन कर दो, ऐसा करके आप कनेक्ट कर सकते हो। तो आई होप ये मेरा ट्रिक का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, इससे बाहर कुछ नहीं है। अब हम इस पे बेस एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में MnO4- की रिएक्शन I- से एसिडिक मीडियम में कराएंगे, तो अभी आपको बताया था I2 बनेगा, लेकिन वहीं पे फेंटली एल्कलाइन या बेसिक मीडियम में कराएंगे तो पहले I2 बनता है और फिर बेसिक मीडियम में I2 डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, तो क्या बनेगा, IO3-। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे खुद MnO4- किस में चला जाएगा, Mn+2 में, यहाँ पे ये खुद किस में आ जाता है, MnO2 डेट इज +4 में। तो बहुत तरीके से रिलेट कर सकता है, क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंजेज होगा, कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, इस टाइप से कुछ भी पूछ सकता है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ड फॉर्म में गिवन था कि पर मैगानेट मैग्नीज डाइऑक्साइड में जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, तो पर मैगानेट मतलब आपको मालूम है MnO4- डेट इज +7, मैग्नीज डाइऑक्साइड मतलब MnO2 डेट इज +4, तो 7 से 4 में गया तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 3 का, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3। तो इस टाइप से इंटीजर टाइप में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 में। सिमिलरली MnO4- H+ एसिडिक मीडियम में A और B दे रहा है, तो ये आपको बताया था ट्रिक में डिसप्रोपोर्शनेशन शो करता है, तो एक क्या बन जाएगा, -2 वाला, तो एक होगा MnO4- और एक बनता है MnO2। क्वेश्चन में ये था कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज का A में ज़्यादा है B से, तो B में मैग्नेटिक मोमेंट, तो B कौन हो गया, MnO2, MnO2 में ये +4 में है, +4 होने का मतलब S से 2 इलेक्ट्रॉन गया, D से 2 गया, तो D में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 3, और 3 हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट नियरेस्ट इंटीजर में आपको बता रखा हूँ डायरेक्ट कितना बोलना है, 4, क्योंकि 3.78 होगा जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4 के आसपास हो गया। तो इस टाइप से पूछा जा सकता है। अगर A में पूछता तो क्या हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट, क्यों, 0 ही, क्यों, क्योंकि एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है डी में। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको रिलेट करके पूछेगा, कंसेप्ट वही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में MnO4- अगर थायोसल्फेट से रिएक्ट करेगा बेसिक मीडियम में, तो आपको बता रखा हूँ क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये पूछा गया था, तो सल्फेट बनेंगे, राइट, इस टाइप से पूछा गया क्वेश्चन है। 5 में अगेन KMnO4H2O2 से बेसिक मीडियम में करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn प्रोडक्ट में क्या होगा, तो प्रोडक्ट में बेसिक मीडियम में, तो प्रोडक्ट में ये कितना हो जाएगा, MnO2 में आ जाएगा, डेट इज +4 में होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे पूछ सकता है। H2O2 खुद कहाँ चला जाएगा, क्या मिलेगा, O2, ऐसे पूछा जा सकता है, राइट, या इलेक्ट्रॉन का कितना चेंज हुआ ये पूछ सकता है, तो आंसर हो जाता है 3। तो इसी टाइप से कनेक्ट करेगा, कंसेप्ट वही रहेंगे। 6 में KMnO4 अगर ऑक्जेलिक एसिड से करेगा तो अगेन क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, तो आपको मालूम ही है CO2 में, इसमें पूछा जाए ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज हुआ, तो 3 से 4 में गया ये, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 का चेंज हुआ, इस टाइप से पूछा जा सकता है। एसिडिक मीडियम है क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड है खुद, तो Mn कहाँ चला गया होगा, Mn+2 में, इसमें क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ, तो आप देख सकते हो 7 से 2 में गया तो 5 का चेंज हुआ, N फैक्टर कितना है, 5 है, खुद मैग्नीज किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 में, राइट, इस टाइप से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। 7 में Fe+2 और MnO4- एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेंगे, तो यू नो Fe+2 किस में चला जाएगा, बता रखा हूँ +3 में, हाईएस्ट में, और MnO4- एसिडिक मीडियम में तो किस में आ जाएंगे, +2 में, इस टाइप से आपसे पूछा गया, 4 ऑप्शन गिवन होंगे। यहाँ पे ध्यान देना Fe+2 का कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर, ग्रीन से ये किस में चला गया, येल्लो कलर में, कभी कभी कलर से भी कनेक्ट कर सकता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये जो पर्पल कलर था वो कलरलेस हो गया, राइट, ऐसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन नंबर 8 में कोई एक्स है, मैग्नीज के कंपाउंड है, उसको हीट किया 513 केल्विन पे, तो वाई मिला MnO2 और O2, तो डेफिनेटली ये आपको बता रखा हूँ एक्स कौन होगा,
KNO4 पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करेंगे तो Y क्या मिल जाएगा आपको, K2MnO4 राइट, मैंगनेट वाला। और फिर MnO2NaCl, Cl-1 में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा राइट, तो ये रिड्यूस हो जाएंगे तो Cl- किस में चला जाएगा, Cl2 जिसका पंजेंट स्मेल होता है, तो ये सब से कनेक्ट कर सकता है। तो आपको XYZ पूछा जाता है तो X हो जाता KNO4, Y K2MnO4 और Z हो जाता आपका Cl2। तो आप ध्यान से देखो, मैंने सारे PYQ लिए, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे इस पे बेस्ड जो आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में ए की रिएक्शन बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो बी मिल रहा है, बी को HCl से रिएक्ट करा रहे हैं तो सी मिल रहा है, और सी को H2 एंड KI से करा रहे हैं तो ए और डी मिल रहा है, तो ए एंड डी रेस्पेक्टिवली क्या होगा। तो ध्यान से देखो कैसे करना है, अगर ए की रिएक्शन बेसिक मीडियम और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो बी और ग्रीन कलर है, डेट मीन्स ये कौन हो गया MnO4-2, तो डेफिनेटली ये कौन होगा MnO2 पायरोल्यूसाइट, आपको बता रखा हूँ ट्रिक में, ऐसा एक ही ऑप्शन है, ख़त्म हो गया राइट। अगर और करना चाहते हो तो बहुत ईजी है, MnO4-2 की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में तो ये MnO4- बनेगा, MnO2 और वाटर डिसप्रोपोर्शनेशन राइट। फिर उसके बाद MnO4- की रिएक्शन H2O एंड KI से, ध्यान से देखो यहाँ पे मीडियम कौन सा क्रिएट किया गया, बेसिक, तो अगर बेसिक मीडियम है तो MnO4- खुद किस में आ जाएगा, MnO2 में राइट, प्लस 4 वाले में जो आपको बता रखा हूँ, इसलिए फिर से वो A हो गया आपका। और D कौन होगा, बेसिक मीडियम है, I- किस में चला जाएगा, IO3- में, डेट इज KIO3, तो इसलिए ऑप्शन B होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आप इजिली कर लोगे। नाउ इस पे बेस्ड मोल कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम ही पूछे जा सकते हैं, जैसे MnO4-C2O4-2 से रिएक्ट करेगा तो पहले प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, तो एसिडिक मीडियम हो गया राइट, अगर एसिडिक मीडियम है तो खुद Mn+2 में आ जाएंगे और C2O4 से आपको CO2 मिल जाएगा। क्वेश्चन अब ऐसे दे सकता है कि अगर ऑक्सैलिक एसिड के हम 4 मोल लिए तो इसके कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, इसके कितने बनेंगे, इसके कितने, तो सबका सेम फंडा आपको बता रखा हूँ, किसी भी रिएक्शन में इक्विवेलेंट सेम रिएक्ट होते हैं। इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मोल इंटू एन फैक्टर, मोल आपको गिवन है, एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज हुआ इंटू नंबर ऑफ एटम। तो जैसे इसका इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूँ तो मोल हो गया 4, एन फैक्टर ध्यान से देखो चेंज आपको देखना है, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कार्बन +4 में, ऑक्सीजन का क्यों नहीं देखे, क्योंकि दोनों तरफ ऑक्सीजन सेम है राइट, तो उसका चेंज 0 हो गया क्योंकि चेंज आपको लेना है। तो +3 से +4 में गया तो चेंज कितना हो गया, 1 का, और नंबर ऑफ एटम कार्बन के कितने, 2, तो कितना हो जाएगा 8 इक्विवेलेंट। अगर इसका 8 इक्विवेलेंट है तो इसका भी कितना होगा 8 इक्विवेलेंट, इसका भी कितना होगा 8 इक्विवेलेंट, इसका भी कितना होगा 8 इक्विवेलेंट। अब अगर हमसे मोल पूछा जाए तो वही पॉइंट कि इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर, तो मोल कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट बाय एन फैक्टर, तो इक्विवेलेंट मिल चुका है, तो अगर मुझे इसका मोल निकालना तो 8 इज इक्वल टू, मोल नहीं मालूम है तो x, एन फैक्टर इसका निकालो, ये +7 से 2 में गया, चेंज कितने का हुआ 5 का, तो 5, और इसके एटम कितने ध्यान से देखो एक ही है, जिसका निकाल रहे हो उसका एटम आपको लेना, नंबर ऑफ एटम यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा x 8/5। सिमिलरली अगर मुझे इसका निकालना तो ध्यान से देखो 8 इज इक्वल टू, मोल नहीं मालूम तो x, n फैक्टर, तो चेंज तो अभी भी 1 का रहेगा, क्यों, क्योंकि 3 से 4 में गया, लेकिन नंबर ऑफ एटम यहाँ पे ध्यान से देखो इसका हम निकाल रहे हैं तो एक ही है, तो इंटू 1, तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा 8, तो डेट मीन CO2 के 8 मोल्स मिलेंगे आपको, Mn+2 वाले कंपाउंड के 8/5 मोल्स मिलते। अगर इसका कितना मोल्स रिक्वायर्ड होगा तो 8 इज इक्वल टू, मोल्स नहीं मालूम x, n फैक्टर, चेंज 5 का हुआ, एटम यहाँ पे भी इसके एक ही है, तो इंटू 1, तो इसका भी हो जाएगा 8/5 मोल्स राइट। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और वेरी क्लियरली आपको समझना है। अगर एक से ज़्यादा एटम का चेंज होता तो सबका चेंज इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके क्या कर देते, समेशन लगा देते। तो आई होप ये सारे प्रॉब्लम आपको क्लियर होंगे, आप सारे PYQ को इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ अब जाते जाते ज्ञान की बात, और ज्ञान की बात में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप टाइट्रेशन कर रहे हो तो एज एसिडिक मीडियम आप HX डैट मीन्स HCl, HBr, HI यूज नहीं कर सकते। उसके पीछे रीजन क्या है कि जैसे KNO4 और ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन करा रहे हो, डैट मीन्स इसका नोन अमाउंट है और इसका आप अमाउंट जानना चाह रहे हो, दैट इज कॉल्ड टाइट्रेशन।
तो HCL आप यूज नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या होगा कि KNO4 इससे तो रिएक्ट करेगा ही और इससे भी कर देगा, Cl- को Cl2 में कर देगा, तो जिससे आपको जो अमाउंट मिलेंगे वो दोनों से रिएक्ट वाले, तो एरर आएगा आपके कैलकुलेशन में, इसलिए हम यूज नहीं करते हैं। तो क्या यूज करना चाहिए, ऐसा एसिड यूज करो जिसमें वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे H2SO4 या HNO3, क्योंकि उसको फिर उससे रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी, तो जो भी इसका कंपाउंड रिएक्ट होगा वो सिर्फ इससे, तो हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट से निकाल सकते हैं कि इसका कितना प्रेजेंट था। तो इसलिए ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि विनो HMnO4 को पर मैंगनिक एसिड बोलेंगे, राइट, और ये हीट करने पे वाटर बाहर दे देगा, तो इसके दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, क्योंकि वाटर बाहर जाने मतलब दो हाइड्रोजन है, तभी दो हाइड्रोजन हो पाएंगे। तो आप देख लो क्या बचेगा, Mn2O7, तो आपको ये मैंगनीज के ऑक्साइड मिल जाएंगे, राइट। और तीसरा पॉइंट डेट इज अगेन इम्पॉर्टेंट कि MnO4- जो कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो खुद +2 वाले सॉल्ट को भी ऑक्सीडाइज कर देता है एज ए कैटलिस्ट, जिंक सल्फेट या जिंक ऑक्साइड लेते हैं। क्यों, क्योंकि जिंक +2 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसका कुछ नहीं हो सकता, सल्फेट में भी सल्फर +6 में उसका कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए ऐसा कैटलिस्ट यूज करना है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। तो खुद Mn+2 से कहाँ चलाएगा, +4 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खुद MnO4- +7 वाला Mn+2 के सॉल्ट को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो आई होप ये मेरा प्रयास आपको बहुत पसंद आया होगा, आप हमसे इसी तरह जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। थैंक यू।